सूरदास कहते, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी। इन महापुरुषों ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं की, उल्टा कहा मुझसे जैसा पापी कौन होगा, जिसने शरीर दिया उसी को भूल गया, ऐसो नमक हरामी। एक वृद्ध बूढ़े 80 वर्ष के व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, 2-4 घंटे ऑपरेशन चला, बाहर आए, डॉक्टर ने उनको 2,00,000 का बिल पकड़ा दिया। तो बाबा ने जैसे बिल को देखा तो आंख में आंसू आ गए। डॉक्टर ने पूछा, बाबा जी क्यों रो रहे हो, कोई दिक्कत है पैसे वैसे की तो बताओ, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। बाबा ने कहा, नहीं कम करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास है पैसा देने को, पर आज जब ये बिल देखा ना तो मुझे अपने भगवान की याद आ गई। क्यों, तूने वह 2-4 घंटे मेरा दिल संभाल के रखा तो तूने 1,00,000 का बिल बना दिया, वो 80 साल से संभाल रहा है, उसने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा मुझसे। भाई यही चूक जाते हम, यही भूल जाते। एक व्यक्ति कोई हमें घड़ी देता है तो हम उसको 1,000 बार धन्यवाद देते हैं कि तेरा 1,00,000 धन्यवाद, लेकिन जिस घड़ी को हम जिस हाथ पर बांधेंगे उस हाथ देने वाले को धन्यवाद नहीं देते कि तूने कितनी कृपा की है। मैं कहां तक गाऊं, मैं कितना बोलूं तेरे बारे में। कितना संभाल के रखता है। एक हॉस्पिटल में जाके देखो, जब एक ऑक्सीजन, अभी कोविड हुआ था भारत में तो बहुत दशा खराब थी, एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन का जो मिल रहा था बड़ा महंगे दामों में मिल रहा था, उस समय याद आता है कि देखो उस परमात्मा ने कैसा हमको मुफ्त में, बिना पैसा, बिना कोई आशा भी नहीं रखता हमसे, हम तो चलो किसी की सेवा करते तो आशा रखते कभी काम आएगा। कई लोग तो दुनिया में इसलिए रिश्ता रखते कि दुख में काम आएगा, दुख में कुछ, लेकिन वो आशा भी नहीं रखता, मुफ्त में हमारे लिए वायु, पानी, सब, जमीन, ये सब बंटवारा तो बाद में हम जैसे लोगों ने किया, भगवान ने तो हमको सब मुफ्त में दिया। तो मेरे कहने का बस इतना सही निवेदन है कि उसकी कृपा को मत भूलो, हर रोज अपने मन को याद दिलाओ कि तू उनका है, तू उनको भूल मत हर रोज मन को, क्योंकि ये मन बड़ा बड़ा निष्ठुर है, इसको संसार के लोगों को अपना मानने में जरा टाइम नहीं लगता, तुरंत सबको अपना मान ले, लेकिन भगवान को मानने में इसको कितना समझाना पड़ता है कि वो तेरे हैं, वो तेरे हैं, उनको अपना मान, मानेगा जरूर मानेगा, बार बार जब इस मन को एक ही बात रोज कहो, रोज इस मन को कहो कि हे हरि तू मेरा है और मैं, बोलो ना, तू मेरा है मैं, तू मेरा है मैं तेरा, रोज रोज इस मन को दिन में कम से कम 10 बार याद दिला। मैं तो इतना भी कहूं थोड़ा सुनने में हंसी लगी, पर इतना भी कहूं तुम्हें नहीं याद रहता तो वो रिमाइंडर लगा लो। बुद्धि बड़ी खतरनाक है, इसको अच्छी बात याद रहती नहीं, उसको बुरी बात हमेशा याद रहती है। किसी ने हमको प्रणाम किया वो नहीं याद रहेगा, पर किसने नहीं किया था 10 साल पहले वो याद रहता है। कथा में अभी कथा से जाओ तो क्या क्या सुना वो याद नहीं रहेगा, पर जब हम बेटी का ब्याह हुआ था तब वो आए थे और वो लिफाफा नहीं लेके आए वो याद होगा। ये मन है, इस मन को बड़े बड़े नहीं जीत पाए, तो भले रिमाइंडर लगाओ, इस मन को दिन में 10 टाइम रख लो कि 10 बार तुझे ये मन को बोल के कहना है, ऐसे नहीं बोल के कहना है, ताकि बार बार जब ये बोल के इसके कान में मन के पड़े तो इसको समझ आए कि असली रिश्ता तेरा किसके साथ है, तू क्यों भटक रहा है दुनियादारी में, क्या मिला तुझे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, विषय वारी मन भीन भिन्न नहीं होत कबहु, एक पल भी ये कभी दुनिया से मन अलग नहीं हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, इसको दुख ही मिले संसार में। इसलिए मन को याद दिलाओ, हे प्रभु तुम हमारे हो,
हम, जोर से बोलो, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। ये कोई आपके पास में पत्नी बैठी और कोई पूछे किसकी, तो फटाक से बोलो मेरी है। कहीं दूसरा ना बोल दे मेरी है, तो भगवान की बारी आए तो खुल के कहो मेरे हैं। मैं तो इतना भी कहती हूँ तुम्हारे होंगे बाद में होंगे, पहले मेरे हैं, पहले हमारे हैं।